जनसंपर्क विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। जनसंपर्क आयुक्त पद से हटा दिए गए आईएएस मनीष सिंह, विवेक पोरवाल को दिया गया है आयुक्त पद का प्रभार। तो मनीष सिंह को हटा दिया गया है। मनीष को मेट्रो प्रोजेक्ट के प्रबंध संचालक से भी हटा दिया गया है। मेट्रो प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी नीरज मंडलोई को सौंपी गई है। मनीष सिंह के पास अब अपर सचिव की जिम्मेदारी है। तो बड़ा फेरबदल हुआ है प्रशासनिक तौर पर। मनीष सिंह, जिनके पास पहले कई विभाग थे, उनका विभाग बदल दिया गया है। जनसंपर्क आयुक्त पद पर थे आईएएस मनीष सिंह, उनको हटा दिया गया। उनकी जगह विवेक पोरवाल को यह पदभार दिया गया है। मेट्रो प्रोजेक्ट के प्रबंध संचालन के तौर पर भी काम कर रहे थे, संचालक के तौर पर भी, वहां से भी उन्हें हटा दिया गया है। और अब अपर सचिव की जिम्मेदारी मनीष सिंह के पास रहेगी। आईएएस ऑफिसर है मनीष सिंह, जिनके पास दो विभाग थे, आयुक्त पद से वो हटा दिया गया है। जनसंपर्क आयुक्त पद पर पहले वो पद थे, और उसके बाद उन्हें जो मेट्रो प्रोजेक्ट था उसका भी प्रबंध संचालक वो कर रहे थे, उससे भी उन्हें हटा दिया गया है। अब उन पर अपर सचिव की जिम्मेदारी रहेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। अमृतांशी, बड़ा फेरबदल ये है कि जो अहम पदों पर वो नियुक्त थे मनीष सिंह, वहां से उनको हटाकर अब दूसरी जगह भेज दिया गया है। बिल्कुल, देखिए कल देर रात एक प्रशासनिक सर्जरी जो है वो मोहन राज में देखने को मिली, एक तरीके से हम कह सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रशासन में लगातार बदलाव का क्रम जो है वो जारी है। इसमें ही मनीष सिंह जो कि जनसंपर्क आयुक्त थे, उनको उस पद से हटाकर जो है मंत्रालय में अपर सचिव बना दिया गया है। हालांकि मनीष सिंह के पास एमपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी का भी पदभार था, जो कि एक महत्वपूर्ण पद था वाकई में। लेकिन अब उनकी जो कि नीरज मंडलोई जो आईएएस हैं, उनको जो है अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। और जनसंपर्क आयोग का अतिरिक्त प्रभार जो है वो विवेक पोरवाल जो आईएएस हैं उनको सौंपा गया है। इसके पहले अगर आपको याद होगा तो खनिज विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार को मुख्यमंत्री का जो प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया था, उसके बाद ये एक और प्रशासनिक फेरबदल है। और लगातार देखिए ऐसे फेरबदल जो है वो लगातार हो रहे हैं, और रात में जो है ऑर्डर्स खासतौर से जब आते हैं तो ये फेरबदल देखने को मिलते हैं। जी जी, शुक्रिया आपका अमृतांशी तमाम जानकारी के लिए।